एवरीवन दिस इज दीपक एंड वेलकम टू कॉमिक जोम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बेस्ट गिटार्स अंडर 10,000 के बारे में, यानी कि 10,000 रुपये में आपको कौन कौन से गिटार के ऑप्शंस मिल जाते हैं एज अ बिगिनर। तो चलिए वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। सो दोस्तों बहुत सारे गिटार्स के ऑप्शन है, तो वीडियो को सीधा शुरू करते हैं और बताते हैं कौन कौन से ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। सो दोस्तों सबसे पहला मॉडल जो हमारे पास अवेलेबल है वो है फेंडर का 150C मॉडल। ये मॉडल जो है आपको 7500 रुपीज में मिल जाएगा। ये जो गिटार है फुल साइज गिटार होता है। इसकी साउंड क्वालिटी और ओवरऑल वुड और कीज वगैरह स्ट्रिंग्स वगैरह सारी काफ़ी अच्छी है। एज अ बिगनर आप ये गिटार परचेज कर सकते हैं और साउंड वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि आप जानते हैं फेंडर जो है काफ़ी अच्छी कंपनी है। और ये जितने भी गिटार मैं आपको बताऊंगा इनका जो लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पे गिटार की फ़ोटो देख सकते हैं और देख सकते हैं कि फीचर्स वगैरह कैसे इसके इसका इन मैक्सिमम गिटार्स में जो वुड लगी है फ्रेडबोर्ड में एंड जो ब्रिज में है वो रोज वुड है, और जो कीज़ लगी है वो ओपन कीज़ नहीं है, इन सब में कवर्ड कीज़ है। कुछ गिटारों में डाई कास्ट कीज़ भी होंगी। तो इन्हीं सब गिटार के बारे में बात करने वाला हूं मैं। तो ये वाला मॉडल जो है ये आप 7500 रुपीस के अराउंड परचेज कर सकते हैं अमेजोन पे, और हो सकता है दिवाली सेल में इसका प्राइस जो है और कम हो जाए। सो दोस्तों अगले गिटार के बारे में बात करते हैं। अगला गिटार है यामाहा का F310 मॉडल। दोस्तों F310 मॉडल जो है आपको पता है बहुत ही पॉपुलर मॉडल है गिटार का, और काफ़ी बिगिनर्स जो होते हैं ट्राई करते हैं ये गिटार लेने का। लेकिन ये जो गिटार है ये 10,000 रुपीस की रेंज में आपको मिलेगा। ये गिटार एक टाइम पे इसका प्राइस जो था थोड़ा कम था, लेकिन धीरे धीरे इसका प्राइस बढ़ के अभी 10,000 रुपीस हो गया है। और ये गिटार जो होता है फुल साइज़ जंबो गिटार होता है, इसमें कोई भी कट नहीं होता, कटवे नहीं होता ये गिटार, और फुल अकॉस्टिक गिटार होता है। और इसका ब्रिज और रोजवुड का होता है, और फ्रेडबोर्ड जो होता है वो भी रोजवुड का होता है। इसमें कवर्ड कीज़ होती हैं, फुल लेंथ साइज़ होता है, अकॉस्टिक काफ़ी अच्छा है गिटार, और जब आप प्ले करते हैं तो काफ़ी बढ़िया साउंड आती है इसमें भी। और ये आपको 10,000 रुपीज़ का अमेजोन पे मिल जाएगा। सो दोस्तों अगले गिटार के बारे में बात करते हैं। अगला गिटार है फेंडर का SA135C मॉडल। तो फेंडर जो अपने जो गिटार के मॉडल्स है उसमें सी वहाँ पे लगाता है जो गिटार कटवे होता है, यानी कि जहाँ पे ये वाला कट जो होता है गिटार्स में अवेलेबल होता है उन गिटार में वो सी लगाता है। तो 135C मॉडल जो है वो एक स्टैंडर्ड साइज़ गिटार है, फुल साइज़ जंबो गिटार नहीं है, और इसकी भी साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। सो इसका भी ब्रिज जो है वो रोजवुड का है, जो फ्रेडबोर्ड है वो रोजवुड का है, काफ़ी अच्छी बॉडी है, साउंड वाइज काफ़ी अच्छा है। सो जंबो गिटार और स्टैंडर्ड साइज़ गिटार में ये डिफरेंस होता है कि जंबो गिटार बहुत बड़ा होता है। एज अ बिगिनर आपको लगता है कि बहुत हैवी, बहुत ही बड़ा गिटार लगा रहे हैं और आपको प्ले करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये वाले गिटार जो होते हैं कंपैटिबल होते हैं, एकदम आपको एडजस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, स्टैंडर्ड साइज़ होता है, आप इजीली इनको प्ले कर पाते हैं। तो ये थोड़ा बेनिफिट रहता है इसमें। कॉम्प्रोमाइज़ आपको थोड़ा सा साउंड की तरफ से करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ी बॉडी है तो ज़्यादा बेटर साउंड जंबो गिटार्स में आती है। सो ऐसे 135C मॉडल जो है आपको अराउंड 7200 का अमेजोन पे मिल जाएगा। इसका भी लिंक जो होगा नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दोस्तों अगले गिटार के बारे में बात करते हैं। अगला गिटार है यामाहा का F280 मॉडल। दोस्तों यामाहा का F280 मॉडल जो होता है वो मैट फिनिश में हमें मिलता है, और 310-280 को कंपेयर करोगे अगर साउंड वाइज तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशन जो है सेम है। F280 मॉडल जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है और थोड़े कम प्राइस में आपको मिल जाता है, जहाँ F310 आपको 10,000 का मिलेगा, ये 7,000 to 7,500 रुपीज़ में आपके बजट में आ जाता है। और इसीलिए पहली चॉइस जो होती थी F310 होता था, लेकिन अब जो लोग परचेज करते हैं पहली चॉइस यामाहा में वो F280 मॉडल को परचेज करते हैं। साउंड वाइज काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बिगिनर्स की ये पहली चॉइस रहती है। अगर आपको इसको परचेज करना है तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों अब अगले गिटार के बारे में बात करते हैं। अगला गिटार मैं बताऊंगा आइबनीज़ का MD39C मॉडल। दोस्तों ये आइबनीज़ कंपनी का काफ़ी अच्छा गिटार है, और इस रेंज से आइबनीज़ के गिटार जो होते हैं वो शुरू होते हैं। ये गिटार आपको 7700 रुपीज़ में मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता ही होगा आइबनीज़ जो है काफ़ी अच्छी कंपनी है, और इनके इलेक्ट्रिक गिटार भी जो है काफ़ी फेमस है, और साउंड क्वालिटी वाइज बहुत ही बढ़िया गिटार है। 10,000 रुपये से नीचे की रेंज में आपको मिल जाता है। 7700 अराउंड का भी अमेजोन पे अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको भी परचेज कर सकते हैं। सो दोस्तों अगले गिटार की तरफ बढ़ते हैं। अगला गिटार मैं आपको प्रेफर करूँगा यामाहा का FS80C मॉडल। दोस्तों FS80C मॉडल जो है वो भी 7500-7700 के अराउंड अमेजोन पे फ्लक्चुएट होता रहता है, इतना प्राइस इसका रहता है। लेकिन डिफरेंस इसमें और F280 में ये है कि F280 फुल साइज जंबो गिटार है,
और जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड साइज गिटार जो होता है उसमें आपको कैरी करने में, पकड़ने में, एज अ बिगनर प्ले करने में थोड़ा इजी रहता है, लेकिन साउंड वाइज थोड़ा F280 बेटर होगा। लेकिन F280 भी काफ़ी अच्छा गिटार है, साउंड वाइज अच्छा है, और अगर आप थोड़ा इजीली प्ले करना चाहते हैं तो ये वाला मॉडल आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन से, अराउंड 7500 के आसपास या 7700 के आसपास आपको ये अमेजोन पर मिल जाएगा। सो दोस्तों, अब कुछ ऐसे गिटारों के बारे में बात करता हूँ जो 10,000 रुपये के पहले थे लेकिन अब थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं, लेकिन वो भी आप चाहें, अगर 10,000 रुपये के थोड़ा सा ऊपर अगर आप कंसीडर करना चाहें तो वो गिटार भी आप परचेज कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला मॉडल है कोर्ट का AD810 मॉडल, यानी कि AD810 मॉडल। दोस्तों ये भी जो गिटार है फुल साइज जंबो गिटार है, बिना कट के है, देखने में आपको F310 की तरह लगेगा। साउंड वाइज जो है काफ़ी अच्छा गिटार है, इसकी जो वुड है काफ़ी हैवी है, मैंने प्ले करके देख रखा है, साउंड आपको काफ़ी क्रिस्पी साउंड आपको मिलती है, कॉस्टिकनेस काफ़ी ज़्यादा रहती है, प्ले करने में बहुत ही बढ़िया लगता है। इसमें एक इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी आता है, वो भी आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। तो AD810 जो है आपको अराउंड 11,000 के आसपास अमेजोन पे मिल जाएगा। सो दोस्तों, लास्ट गिटार के ऊपर आते हैं, ये भी गिटार जो है 10,000 से थोड़ा ऊपर की रेंज में आ जाता है, अगर आपको परचेस करना चाहें तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं आप। यह है फेंडर का CD60 मॉडल। दोस्तों फेंडर का CD60 मॉडल जो था एक टाइम पे काफ़ी फेमस था और बहुत सारे लोग इसको परचेज करते थे, अभी थोड़ा प्राइसेस का इंक्रीज हो गया और अराउंड 13,000 रुपये के आसपास आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। ये भी फुल साइज जंबो गिटार है, साउंड वाइज ऑसम है और कवर्ड कीज है, फ्रेडबोर्ड ब्रिज रोजवुड का है और नेचुरल फिनिश में काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी वाला गिटार आपको मिल जाता है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जितने भी अच्छे गिटार थे इनकी जो डिस्क्रिप्शन है मैंने आपको बता दी है, इन सब के लिंक जो होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, और जब आप अमेजोन पे रिव्यूज़ भी चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनकी डिमांड जो है काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं ये सब गिटार्स, और थोड़ी सी अपर रेंज होती है क्योंकि बिगनर यूजुअली ट्राई करते हैं 5-6 हज़ार की रेंज में, 7,000 की रेंज में, और ये थोड़ा 10,000 के आसपास आ जाते हैं, तो थोड़ी सी अपर रेंज हो जाती है, लेकिन गिटार्स की जो क्वालिटी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाले गिटार होते हैं, अगर आपको पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्ले करना है, आपको 5-6 साल तक आप प्ले करते रहेंगे तो यूजुअली ये वाले गिटार जो होंगे वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि कम रेंज में ऐसा होता है कि आप गिटार तो ले लेते हैं ज्योरेज एंड टर्न वगैरह के 2,000-3,000 में, लेकिन आपका ना इंटरेस्ट नहीं बन पाता क्योंकि उसमें वो साउंड क्वालिटी आपको जो है वो मिल नहीं पाती है। जब आप प्ले करते हैं तो कई बार एक्शन हाई होता है उसका, कई बार बजिंग आती है, नेक बेंड हो जाती है, तो आप इसको ट्रस रॉड से ठीक नहीं कर सकते, तो ये सब प्रॉब्लम इन सारे गिटार्स में नहीं आती है, प्रॉपर बनते हैं, इनकी सीजनिंग होती है लकड़ी की, नेक बेंड वाली दिक्कत नहीं आती है, और इसीलिए इन गिटार का प्राइस जो होता है वो थोड़ा हाई होता है। सो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।